हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव त्यागी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार त्यागी स्टडी हम में। आज का हमारा मैथ का टॉपिक रहने वाला है एवरेज। जैसा आप देख पा रहे हैं तो एवरेज को हम बिल्कुल बेसिक से करते हैं शुरू। ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने कभी पहले मैथ का कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा है। तो करते हैं क्लास को शुरू। तो सबसे पहले आपको संख्याओं के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कौन सी संख्या किसे बोलते हैं। जिसको ना पता हो वो ध्यानपूर्वक देखें और इन संख्याओं को नोट कर लें। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो होती है जीरो, और जीरो के बाद अनंत तक जहाँ तक आप गिनती कर सको वहाँ तक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वन, वन के बाद अनंत तक, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जहाँ तक भी आप गिनती कर सको। सबसे छोटी विषम संख्या होती है वन। विषम संख्याएं वे होती हैं जो दो से डिवाइड ना हो। सबसे छोटी विषम संख्या वन, उसके बाद 1, 3, 5, 7, 9, 11 यानी कि दो से वो डिवाइड नहीं होनी चाहिए, वो सभी संख्याएं विषम होती हैं। सबसे छोटी सम संख्या होती है दो यानी कि टू, और जो भी टू से डिवाइड हो जाए वो सब संख्याएं समी होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह आगे यहाँ तक भी आप कर सको। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दो। अभाज्य संख्या उन संख्याओं को बोलते हैं जो या तो वन से डिवाइड होती हैं या खुद से डिवाइड होती हैं। बहुत से बच्चे दो को अभाज्य में नहीं लेते क्योंकि वे समझते हैं ये सम संख्या है, अभाज्य में सम और विषम नहीं चलेगा। जो भी संख्याएं खुद से या वन से डिवाइड होंगी वही संख्या है भाज्य हैं, बाकी सब भाज्य होंगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है चार। कुछ बच्चों को लगता होगा कि दो भी होती है लेकिन दो अभाज्य संख्या है ना कि भाज्य है, क्योंकि दो सिर्फ खुद से यानी कि दो से और एक से ही डिवाइड होगी, अन्यथा और किसी से नहीं होगी। जैसे सबसे छोटी प्राकृत संख्या भाज्य प्राकृत संख्या चार है, ये चार से भी डिवाइड होगी, वन से भी होगी और टू से भी होगी। जो खुद से और वन और खुद से अलग भी और किसी संख्या से डिवाइड हो जाए वो भाज्य होती हैं, और जो वन या खुद से डिवाइड हो वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। इन्हें जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लें। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है 4, 6, 6 टू से भी डिवाइड है, 3 से भी, 6 से भी, 1 से भी, 8 2 से भी है, 4 से भी है, 1 से भी है और 8 से भी है, 9 3 से भी है, 9 से भी है और 1 से भी है। तो जल्दी से आप इन संख्याओं को नोट डाउन कर लीजिए। अब टाइप वन के बारे में चलते हैं आगे। प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? अभी मैंने आपको पूर्ण संख्या लिखवाई थी, बताइए आप ये बताइए जीरो से शुरू करेंगे या वन से शुरू करेंगे और 25 पे लास्ट करेंगे या किसी अन्य संख्या पर, बताइए जल्दी जल्दी। अभी मैंने आपको लिखवाया था सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है जीरो, उसके बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे तक करते जाएंगे और लास्ट में आएगी 24, यानी क्योंकि टोटल 25 संख्या लेनी है हमको, जीरो को लगा के 24 संख्या ये हो गई और एक हो गई जीरो, तो टोटल संख्या हो गई 25। प्रथम 25 पूर्ण संख्या का पूछा है, तो इसे निकालने का तरीका है पहली संख्या लो और लास्ट की संख्या लो, 0 + 24 अपॉन कर दो 2, क्योंकि दो संख्याओं का निकाल रहे हैं, तो ये हो गया 24/2 यानी कि 12। हमारा आंसर आ गया 12 यानी कि 12।
ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर टू, 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, बताइए। अब किस किस को समझ में आया कि पहले सवाल में और इस सवाल में क्या डिफरेंस है, या दोनों सवाल सेम है, बताइए जल्द जल्दी। उसमें पूछा था प्रथम 25 और इसमें पूछा है 25 तक की, जो मेन डिफरेंस है ये है। यानी कि पूर्ण संख्या आपको पता है कि 0 से शुरू होती है, पहली पूर्ण संख्या 0, फिर 1, 2, 3 और इसी तरह आगे बढ़ते हुए। वहाँ पे हमने लिया था 24, क्योंकि प्रथम 25 पूछा था, तो 24 संख्या ये और एक 0 को लगा के 25 हो गई थी, लेकिन यहाँ पर पूछा है 25 तक की, तो यहाँ पे 25 को भी लेना पड़ेगा। तो तरीका वही रहेगा, पहले और आखिरी को जोड़ के 2 से डिवाइड, 0 प्लस 25 अपॉन 2 बराबर 25/2 यानी के 12.5। ये तो पता होगा कि 12.5 कैसा है, इसे 25 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 12.5 आएगा, यानी कि 12.5। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत, बताइए प्राकृत संख्या 0 से शुरू होगी या 1 से, बताइए जल्दी। जैसा आप सभी को मैंने अभी बताया था, प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, पहली प्राकृत संख्या 1, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर ऐसे ही ये चलती चली जाएंगी और लास्ट होगी 25, क्योंकि 1 से 25 तक 25 संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी और प्राकृतिक संख्या 1 से, उसमें 0 भी ऐड कर लेंगे इसलिए वहाँ पे 24 लिखा था, इसमें 0 ऐड नहीं होगी इसलिए यहाँ पे 25 लिखा है। तरीका वही रहेगा, पहले और आखिरी को प्लस कर दो, डिवाइड 2 कर दो, ये हो जाएगा 26 यानी कि 26/2 बराबर 13। किस किस को समझ में आ गई ये बातें। ये आ गया आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसमें है 25 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। बताइए प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगी, 1, 2, 3 और लास्ट होगी 25, क्योंकि 25 तक की पूछा, लास्ट 25 होगी, लास्ट संख्या होगी 25। तरीका वही रहेगा, 1 और 25 को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, यह आएगा 26/2 बराबर 13। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन, 25 समप्राकृत संख्याओं का औसत बताना है आपको क्या होगा। पहली समप्राकृत संख्या मैंने आपको क्या बताई थी अभी, वो मैंने बताई थी 2 यानी के 2, दूसरी होगी 4, तीसरी होगी 6, चौथी होगी 8 और 25वीं प्राकृत संख्या क्या हो गई, 15। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये 50 कहाँ से आ गया, ये 50 इनमें एक एक का डिफरेंस है, तो 25 × 2 = 50, इसवी संप्राकृत संख्या क्या हो गई, 50। तरीका वही रहेगा, पहले और आखिरी को प्लस करेंगे, 2 + 50/2 बराबर 52/2 यानी कि 26। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन में दिया है 25 तक की समप्राकृत संख्याओं का औसत, उसमें था प्रथम 25 और इसमें है 25 तक, दोनों क्वेश्चनों में बड़ा डिफरेंस है। आपको ये बातें तक वाली और प्रथम की, उनकी बातों को ध्यान देना है, अंडरलाइन करके रखना है इनको। पहली समप्राकृत संख्या होती है 2, फिर 4, फिर 6। अब 25 तक की बोला है, तो सबसे पहले जो भी समप्राकृत संख्या आएगी उसे लिखेंगे, 25 से पहले आता है 24 यानी कि 24,
पहले और लास्ट वाले को ऐड करेंगे, 2 + 24 अपॉन 2 इजिकल टू 26 अपॉन 2 जाएगा 13। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम विषम संख्या होती है 1 और 25वीं होगी पहली 1, फिर 3, फिर 5, 7, 9, 11 और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे एक एक छोड़ के। तो 25वीं संख्या बैठेगी 49। तरीका वही रहेगा, पहले और अंतिम को जोड़ दो, 1 + 49/2 यानी कि 50/2 यानी कि 25। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें दिया गया है 25 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली विषम प्राकृत संख्या होती है 1, 3, 5, फिर ऐसे आगे बढ़ते हुए 25 तक पूछा है, तो लास्ट 25 ही होगी। तो 25 से पहले 24 आता है, वो सम है, तो पहले और अंतिम को जोड़ेंगे, 1 + 25/2 इजिकल टू 26/2 बराबर 13। ये बहुत छोटी छोटी सी बेसिक बातें हैं लेकिन हमारे क्वेश्चन को गलत करा देती हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले उसका बेस आपको मजबूत करना होगा। आपको लग रहा होगा इस तरह की संख्याएं क्या पेपर में आएंगी या ऐसे सवाल क्या पेपर में आएंगे, तो सबसे पहले हमें बेस मजबूत करना होता है, उसके बाद ही आगे क्वेश्चन आप कर पाओगे। अगर आपको विषम सम प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का ही पता नहीं है तो आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। और इनमें से भी क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बनते हैं। आज के वीडियो को रखेंगे इतना ही, जल्द मिलते हैं अगला टाइप लेकर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।